खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं। थाना कुंदकरी में दो लोगों को घर घेर कर गोली मारी, माफ करिएगा, घेर कर गोली मारी गई है। गोली मारने की घटना से मचा है हड़कंप। रुपए की लेन देन का है ये पूरा मामला। गोली मारने की घटना से मचा है हड़कंप। रुपयों की लेन देन का है ये पूरा मामला। रिश्तेदारों पर लगा है आरोप। उधार के लिए मांगे गए थे 29 लाख रुपए। रिश्तेदारों पर लगाया गया है आरोप। उधार के लिए मांगे थे 29 लाख रुपए। आरोपी हुए बाइक से फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटे। गोली मारने की घटना से मचा हड़कंप। हाईवे पर पुराने टोल प्लाजा के पास गबरू सन ऑफ मल्लन और रियासत उर्फ मुखिया, जो कि मुंडा पांडे के रहने वाले हैं, इनको गोली लगी है। घटना की जांच की जा रही है एवं सत्यता के आधार पर हम आवश्यक विधि कार्रवाई करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे मुरादाबाद से संवाददाता अरम अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरम, पूरा मामला क्या है? सिर्फ उधार वाला प्रकरण है या कुछ और? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये चाचा भतीजों का मामला है और ये पैसों के मामले को लेकर के गोली मारी गई है। और जिन लोगों की गोली लगी है वो दोनों ही लोग जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। और यहाँ का पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। 29 लाख का पूरा मामला है और ये पूरा मामला कुनरजी थाना क्षेत्र पुराना टोल टैक्स के पास की घटना है। जी, इसमें क्या किसी की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? साहब का कहना है मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम रिश्तेदारों पर आरोप लगा है, दो लोगों घेर कर गोली मारी गई है।